तो एक हमारे भाई मिले हैं आशीष दीक्षित जी, जो पत्रकार हैं यहाँ पर, होशंगाबाद में ही रहते हैं। तो भैया को मैंने देखा कि माँ नर्मदा जी की स्वच्छता के लिए भैया सफाई कर रहे हैं। तो भाई जैसे लोग समाज का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो माता जी की सफाई पर ध्यान देते हैं और स्वेच्छा से भैया काम कर रहे हैं, ये माता जी के लिए भैया की सेवा है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से और अपनी तरफ से भैया को धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे काम के लिए भैया। तो भैया कुछ मैसेज अगर हमारे आप व्यूअर्स को देना चाहें। पहली बात तो ये है कि मेरे को धन्यवाद ना बोले, मेरी माँ है और माँ की सेवा करना कोई वो नहीं है। बिल्कुल भैया, मैंने एक प्रण लिया है, भले मैं अकेला हूँ लेकिन मेरा एक प्रयास है कि कम से कम नर्मदा मैया को मैं साफ कर सकूँ, जितना जितना भी और हम दे जितना सके। सही बात है, प्रशासन भी सहयोग करता है। ये मैं जो कचरा उठाता हूँ सुबह, फिर नगर पालिका वाले आके उठा ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर प्रयास है अपना कि शुरुआत करें अपन, कम से कम एक अकेला आदमी है एक अकेला आदमी काफी कुछ कर सकता है, सही तो बात है वही एक भैया। ध्येय बना के रखा हुआ है कि बस थोड़ा बहुत जितना भी बन सकता है उतना करना है। तो हम मतलब हमारी क्षमताओं का तो कम से कम सेवा दें, हम दूसरों पर ढोलने के बजाय। तो भैया बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, धन्यवाद, नमस्कार। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और आज हमारी पचमढ़ी राइड का सेकेंड डे है और अभी हम लोग यहाँ होशंगाबाद में। तो कल हम लोग यहाँ पर आ गए थे, हमने टारगेट ही यहीं तक आने का किया था, पर कोशिश थी जल्दी आने की। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके चेक कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो उससे आपको ज़्यादा मजा आएगा सीरीज देखने में। तो अभी होशंगाबाद माँ नर्मदा के घाट पर हम लोग खड़े हैं और सुबह का नज़ारा वाकई मन मोहक हो रहा है यार। रूम से निकले थे सिर्फ चाय पीने और शुभम भाई बोला कि चलो यार घाट पे चलते हैं, तो फिर हम लोग घाट पे भी आ गए। तो बढ़िया हो गया, आ गए तो अब यहाँ से जाएंगे रूम में, रूम में सामान पूरा बिखरा पड़ा है उसको पैक करेंगे और निकलेंगे पचमढ़ी के लिए। तो चलते हैं रूम पे, एक बार आप लोगों को रूम भी दिखा देता हूँ मैं। जय भाई कुछ नहीं बोलेगा, उसका गला बैठ गया अभी वो, हाँ गला गया, स्पीकर फट गया भाई का, मेरे से भी ज़्यादा मतलब, मेरा तो है थोड़ा सा। तो चलते हैं रूम पर और फिर उसके बाद निकलते हैं पचमढ़ी के लिए। तो 350 रुपये का ये रूम था जिसमें तीन लोग हम लोग ठहरे थे, तो 125 रुपये से भी कम, 120 रुपये से भी कम में हम लोगों को पड़ गया। ऐसे भी हम लोगों को सिर्फ रात सोनी थी, 10 बजे हम लोग आए थे और अब निकल रहे हैं, बस भाई लोगों का बैग पैक हुआ फिर चलते हैं नीचे। तो ये हमारा रूम है, अमित और भाईजान हो रहे हैं रेडी, और ये रहा है मेरा सामान, मैं हो गया हूँ कंप्लीट। यहाँ हम लोगों ने हेलमेट वगैरह रखे थे अपने, और यहाँ पर एक शीशा भी है, तो मैंने चेंज नहीं करा है क्योंकि पचमढ़ी जाकर नहा धोकर और फिर चेंज करने वाला हूँ मैं। तो अपन चलते हैं नीचे, मैं निकलूँ सामान लेके नीचे, चलो चलो नीचे आ रहा हूँ। वो सामने रूम में जय भाई और शुभम थे, और एक मज़ेदार बात बताऊँ, 120 रुपये से भी कम में ये होटल 24 घंटे की रहने की आपको परमिशन देता है। तो हजूरी लॉज होशंगाबाद नर्मदापुरम, अगर आप आ रहे हैं तो ये हमारे भाई साहब हैं, तो 120 रुपये पर हेड से भी कम में पड़ा है और 24 घंटे, मतलब आज कल शाम को हम लोग आए हैं तो आज शाम तक हम लोग रह सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी रुपेश भाई। तो हजूरी लॉज 7 रास्ता 4 है ना, सही एड्रेस है ना, होशंगाबाद। तो भैया का जो नेचर भी बहुत बढ़िया रहा और सब कुछ बहुत बढ़िया था भैया, रूम भी अच्छा था, रेट के हिसाब से रूम बहुत अच्छा था। तो यहाँ खड़ी है हमारी बाइक, अब सामान वामान माउंट करेंगे और फिर निकलेंगे। तो हुआ ऐसा है कि सुबह उठ के हमने देखा तो शुभम की बाइक जो थी वो पंचर हो गई थी, तो हम लोगों को कुछ देर रुकना पड़ा तब तक पंचर वाले की शॉप खुल जाए, और फाइनली खुल गई है। अब उन लोगों ने पंचर बनवा लिया और उन्होंने हमें कॉल किया है कि आ जाओ, हम ये इंडियन के पंप के यहाँ पर हैं, पर अब हम लोग 7 रास्ता 4 पर है, तो हमको समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ हमारा भाई है, एक बार पूछ लेते हैं। भैया पचमढ़ी के लिए रास्ता किधर है? पचमढ़ी तो इधर पंप आएगा, इंडियन का, इंडियन का पंप है इधर, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप है ना ये, मुल्ला पेट्रोल पंप इंडियन का, दो पंप है। ओके ओके,
तो शुभम ने बताया कि पंप के पास खड़े हैं, पेट्रोल पंप के पास पचमणी रोड पर, इसलिए मैंने उनसे पचमणी का रास्ता पूछा और पेट्रोल पंप पूछा। और हाँ अमित, और डेफिनेटली शुभम भी वहीं पर, पंचर कंप्लीट है और रवाना हो चुके हैं हम। तो फाइनली हम लोग होशंगाबाद से निकल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और बाइकर जस्सी सर होशंगाबाद नर्मदापुरम से रवाना हुए हैं पचमणी जाने के लिए, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर ओनली है। हालांकि हम लोगों ने इसको आज सुबह से इसलिए लिया, चाहते तो कल रात को भी हम लोग पहुँच सकते थे, पर जो नज़ारे हैं वो नज़ारे सारे मिस हो जाते, जो मिस नहीं करना थे हमको। तो अब जो है हम लोग अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं और कुछ शानदार नज़ारे आएंगे तो रुकेंगे, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला थोड़ा लंबा हो सकता है। आज का वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊं, एक पार्ट अभी से हमारी जर्नी का पचमणी पहुंचने का, और दूसरा पार्ट आज जो हम लोग पचमणी में लोकल विजिट करने वाले हैं उसका। तो जैसा भी होता है, जो भी होता है, आप लोग साथ में ही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, तो ठीक है चलते हैं पचमणी। तो गली गली घूम रहे हैं गूगल देवता की कृपा से, एक गलत राइड ले लिया और फिर कॉलोनियाँ घुमा रहा है गूगल देवता में। तो हम लोग वापस थोड़ा सा जाएंगे, चलो आ जाओ वापस आओ, तो वापस जाएंगे हम लोग। ओके गूगल देवी बोल रही है लेफ्ट ले लो लेफ्ट, तो लेफ्ट यही तो लेना था हमको जो गलत ले लिया था हमने। ये है हमारा रास्ता, पिपरिया 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर के बाद होशंगाबाद जाना है हमको। ओ सॉरी, पचमणी जाना है, 65 किलोमीटर के बाद पचमणी जाना है। होशंगाबाद से तो आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया है झगड़ा रोड रेंज, किसी कारण से कुछ विवाद हो रहा है। कुछ बाइक वाले का और ट्रक वाले का इशू हुआ था, तो देखने में आ रहा है कि भैया मार खाई है बाइक वालों ने, और ट्रक वाले टॉमी लेके उतरा था फिर से मारने उसको। हालांकि ये इनलीगल है, गैर कानूनी है, पर सड़कों पर अक्सर हुए झगड़ों में एट द टाइम जिसका हाथ चल गया तो चल गया वाली बात होती है। अभी पुल के पहले ही मैंने वो सुहाना नज़ारा सोचा था और नज़ारा ऐसा मिल गया। तो गूगल महाराज के बताया अनुसार हमने एक शॉर्टकट लिया है। अब पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सुहागपुर के बाद से एक छोटा सा शहर आया था, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद हमने एक राइट लिया। तो गूगल महाराज बोल रहे हैं अभी करीब 2.3 किलोमीटर हमें इस शॉर्टकट को फॉलो करना है, फिर किस रोड पर निकलेंगे चलिए देखते हैं। पिपरिया एक जगह है जो पचमणी हिल स्टेशन का रेलवे स्टेशन भी है, मतलब वहाँ से 60 किलोमीटर है पचमणी, पर क्योंकि पचमणी में रेलवे नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो पिपरिया तक ही आते हैं। अगर आप पचमणी आ रहे हो बाय ट्रेन तो आपको पिपरिया में ही ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा और बाय रोड जाना पड़ेगा उसके आगे। तो पिपरिया आने वाला है, चलिए चलते हैं। ये बाय ये जो शॉर्टकट कहाँ निकल रहा है वो बताते हैं आपको। चनो 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 चनो, तो आ गया है हमारी इस राइड का पहला रेलवे क्रॉसिंग जो कि बंद मिला है। भगाओ भगाओ भगाओ, कहाँ जाओगे भगा के, जाओ भगाओ। हाँ चलो आ जाओ, नाचेंगे ट्रेन आएगी तो। 5 minutes later, यह है जिम्मेदार, इसने वीडियो नहीं बनाया, इस चक्कर में मैंने ट्रेन का वीडियो नहीं बनाया। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी ट्रेन की मधुर आवाज़ में नाचे, और इसका वीडियो बनाने के लिए हमारे भाई नदीम खान जी को बोला गया, पर उन्होंने वीडियो नहीं बनाया, वो शायद क्लिक करना भूल गए हैं। अजय भाई ने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया हूँ। फाटक ओपन हो गया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन इधर मोड़ इधर से आती है, कह रही बताने वाली बात नहीं है।
तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा लंबा हुआ, पर हम लोग पिपरिया रोड पे निकले हैं सीधे। पता नहीं कितने किलोमीटर हम लोगों ने बचाया, पर अगर गूगल ने बताया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमने बचाया ही होगा। नाउ वी आर ऑन पिपरिया रोड और कॉल आ रहा है दिल्ली से एक भाई का हमारे। चलिए फिर बात करते हैं अपन। तो अभी अभी मैंने गूगल मैप को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके चेक करा तो पिपरिया को ही हमने बाईपास किया है उस रास्ते के माध्यम से जो हमने शॉर्टकट लिया है ना, वो रास्ता हमको पिपरिया बाईपास करवा के ले आया। हमको पिपरिया शहर में नहीं जाना पड़ा तो अच्छा हुआ, काफ़ी कुछ बच गया। अब सीधे पचमढ़ी जाने वाले हैं और अब शुरू होने वाले हैं नज़ारे दोस्तों, तो स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि ये जो पचमढ़ी के हिल स्टेशन के हमारे MP का टॉपेस्ट हिल स्टेशन है जो, उसके मज़े ही कुछ और आने वाले हैं। मुझे एक बात पता थी कि पिपरिया क्रॉस करते ही हम लोगों को नज़ारे शानदार मिलने वाले हैं, पर ये देखो ये सरप्राइज़ है। भाई को जो देखा आपने, बिना उसने देखा अगर मैं थोड़ा पास होता तो मुश्किल पड़ता मुझे उससे बचना। हाँ, तो पिपरिया क्रॉस करते ही आपको हरियाली अलग से ही देखने मिलेगी कि लेवल बढ़ गया है, नेक्स्ट लेवल पर आ गई है जो ग्रीनरी है यहाँ की। तो चलिए आप और शानदार शानदार नज़ारे आके देखते हैं और इन्जॉय करते हैं राइड को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा देना दोस्तों, ठीक है चलते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, बढ़िया है। तो अभी करिए हम लोगों ने एक जुगाड़, मेरे गोरिल्ला ट्राइपॉड में लगाया है मोबाइल और उसको लगाया है हमने अमित के बैग पर। ये लेने वाला है हमारा बैक शॉट और कैसा शॉट आएगा ये भगवान जाने, क्योंकि ये हिलने वाला है ज़रूर। पर एक कोशिश करना बनता है, अगर अच्छा शॉट आया तो भी आपको दिखाएंगे, गंदा आया तो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और सब लोग निकल पड़े। आप सबसे आगे चलने वाला है भाई अमित और उसके पीछे चलने वाले हैं हम लोग बारी बारी से, ताकि सभी लोग उसमें, सभी लोगों का एक अच्छा शॉट बन जाए, सभी लोग उस मोबाइल में शूट हो जाएँ। तो पहले सबसे पहले मैं ही चलता हूँ, मेरे पीछे से फिर एक एक करके सब लोग आगे आते रहेंगे। और आसपास का नज़ारा भी उत्सव है भाई लोगों, प्रॉपर जंगल वाली फीलिंग आ रही है, जंगल वाली। और हमने पिछले नाके पर एक भाई से पूछा था, तो ये जो रोड की चौड़ाई हम देख रहे हैं बस इतना ही चौड़ा रोड अब पचमढ़ी तक जाने वाला है। तो मज़ा आएगी बाइक चलाने में, अभी तो घाट सेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ जंगल शुरू हुआ है। चलिए आगे के नज़ारे लेते हैं। तो रास्ता जो है वो थोड़ा सा घुमावदार चालू हो गया है, मतलब घुमाव आने लगे हैं, चढ़ाई तो नहीं आ रही है पर मोड़ आने लगे हैं। तो अच्छी फील आ रही है, बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं पर माउंटेन्स देखने लगे हैं, जैसे अभी मेरे लेफ्ट साइड में एक पहाड़ दिख रहा है पूरी तरह से हरियाली से ढका हुआ। वो जो अमित के पीछे मोबाइल लगाया है, तो अमित निकल गया है बड़े मज़े से स्पीड से और सारे भाई लोग भी उसके पीछे निकल गए स्पीड से। मैं एक दो शॉट लेने रुका हूँ और मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो आप थोड़ी सी खींचते हैं बाइक को और चलते हैं भाई लोगों के पास, फिर बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जब तक बैक शॉट, मतलब उस मोबाइल का बना हुआ शॉट। तो यहाँ पर ये इस तरह के डबल रास्ते कर दिए हैं किनारों पर, रोड तो छोड़ी नहीं करी, पर जहाँ पर ऐसा लगता है कि यार टर्न वाला रास्ता आने वाला है या कुछ है, तो इस तरह से डबल रास्ता कर दिया है। हाँ, तो दोस्तों जो बैक का बना हुआ वीडियो था, मतलब बैक साइड से मोबाइल से बनाया था जो अमित की बाइक के पीछे लगा कर, वो बहुत शेक हो रहा है, मैंने चेक कर लिया है। पर थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर डालूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि यार एक एक शॉट के लिए हम लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या जुगाड़ तिकड़ में लगाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है भाई लोगों, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा लाइक करना होता है, तो लाइक कर दीजिए और तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर दीजिए। और ये लोग क्यों रुक गए यहाँ पर, तो वहाँ पर खुल गया था भाई शुभम का बैग, मतलब ढीला हो गया था, पूरा नहीं खुला था, उसको टाइट कर दिया और कंप्लीट कर दिया और निकल गए वहाँ से। एक और बार आ गया है डबल रास्ता, आप देख सकते हैं ऐसा नज़ारा बीच में दो तीन बार और भी देखने मिला था, पर प्रॉपर जंगल वाला लुक है और बड़ा आनंद आ रहा है राइड करने में। तो चलिए आप लोग भी लीजिए थोड़ा सा आनंद राइड का, फिर मिलते हैं आगे, कुछ बढ़िया होता है तब बात करते हैं।
यहाँ पर ना दोस्तों टर्न के साथ साथ एक चीज और आ रही है कि जैसे सिंगल पट्टी होने से ये जैसे कार निकली, जगह बिल्कुल कम बचती है। दो कारें या दो बसें होंगी तो पता नहीं कैसे क्रॉस होती होंगी, यहाँ बहुत रुक के धीरे से होना पड़ता है। ऊपर से ये टर्निंग और ज़्यादा खतरनाक बना देती है इस रोड को। तो यहाँ पर आओ तो बड़ा संभल के बाइक चलाओ, नज़ारों का आनंद लो। दोनों चीज़ें करना है, मज़े से करना है, सुरक्षित रहकर करना है और अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। इसी 40 किलोमीटर का ना इतना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का कि जो 500 किलोमीटर चला के हम लोग आए हैं उसकी पूरी थकान से निकल गई यार। मतलब गजब वाला मज़ा है यार यहाँ पे बाइक चलाने में, और साथ ही साथ जो भाई लोगों का साथ है उसके कारण ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड में। क्योंकि अकेला आदमी क्या करेगा यार, जब चार भाई साथ में निकले, पाँच भाई साथ में निकले तो मज़ा चार गुना हो जाता है। जय भाई की आवाज़ बैठ गई, नहीं तो कसम से कह रहा हूँ ये मज़ा 10 गुना हो जाता। खैर वो मानने वाला नहीं है, बैठी हुई आवाज़ में भी धूम मचाने वाला पूरा भरोसा है मेरे को। चलिए चलते हैं पचमढ़ी। अभी हम लोग पहुंच गए पचमढ़ी के गेट पर, मतलब जो गेट बनाया है, स्वागत द्वार बनाया हुआ है पचमढ़ी के बाहर वहां पर। तो यहां पर चलिए करते हैं कुछ अच्छी फ़ोटो क्लिक, उसके बाद चलेंगे अंदर। यहाँ हमें मिला है एक बंदा जो बताने ले जा रहा है हमको होटल। तो पहले वो हमको 500 रुपये 400 रुपये वाले रूम बता रहा था, फिर हमने उसको समझाया भाई हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं, 2 ही दिन के लिए आए हैं, थोड़ा अच्छा होटल बता, ऐसा भी नहीं 10,000 वाला बता, पर कम से कम रहने में मज़ा आए ऐसी जगह लेके चल। तो वो लेके जा रहा है अब हमको, और देखते हैं कैसी होटल में ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, उसके बाद में फिर अपन चलेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। तो चलते हैं होटल फाइनल करते हैं, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ही जा रहे हैं ऊपर। आप बोलेंगे अभी भी हेलमेट पहना हुआ है, तो जगह नहीं है हाथ में मेरे भाई, इसलिए पहना हुआ है। और पहले इसलिए आया हूँ मैं कि इससे पहले वो लोग हमारे होटल के रूम को स्टोर रूम बना दें, उससे पहले आप लोगों को साफ सुथरा प्यारा सा अच्छा सा एक रूम बता देता हूँ। हाँ थोड़ा ऊपर है ये भी, थर्ड फ्लोर पर। चलिए रूम दिखाता हूँ। ये 303 हमारा रूम है। हाँ अब लगी ना कोई रूम वाली फीलिंग। 3 लोग यहाँ ऊपर सोएंगे, 2 लोग यहाँ नीचे सोएंगे। शानदार रूम है। कुछ लोगों ने सामान पर कब्जा कर लिया है, मैं अपना बैग रख के पलंग पर कब्जा कर लूँ। तो और ये रहा आईना, और यहाँ आ गए सब रूम को स्टोर रूम बनाने। और यहाँ है बाथरूम, काफी बड़ा और अच्छा बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं। जय भाई क्या बोलना चाहते हो? रूम मिला फाइनली, अच्छा रूम मिला है। हाँ मजे लेंगे, रूम एंजॉय करेंगे। हाँ बाकी बाद में बोलेंगे फटी हुई आवाज। हाँ क्या लगता है तुझे, तेरी आवाज आज ठीक होगी?
मेरे को लगता है कि पचपड़ी जाने तक ठीक होगी, अच्छा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ ये तो मेरा सब्सक्राइबर कम हो जाता है। ओके गाइस, तो पहुंच गए हैं पचमढ़ी। करीब 4 घंटे लगे हम लोगों को होशंगाबाद से पचमढ़ी आने में। इसका कारण रास्ता नहीं था, इसके कारण रास्ते के नजारे थे जो रुक रुक के हमने फोटोज क्लिक करे और एंजॉय करा, वो इसका कारण है हमारे देर होने का। अभी बजी है 12 घड़ी में, हमारी तो बहुत अच्छी स्थिति है, हमारी 12 नहीं बजी। तो रूम बहुत अच्छा मिल गया है प्रॉपरली और रेट भी बहुत कम है। जाते वक्त मैं होटल की डिटेल और रूम की सारी डिटेल आपको दे के जाऊंगा। ये जो हमारा वीडियो था होशंगाबाद से पचमढ़ी का, वो यहीं पर एंड हो रहा है। आज के ही दिन का एक और पार्ट में अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग पचमढ़ी दर्शन करने वाले हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में जय, पचमढ़ी विजिट करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, है ना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भाई हार्डली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पचमढ़ी राइड के सारे पार्ट आपको देखना है तो बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए और आप वीडियो देख सकें। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा। भाईजान यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय।